हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन की। तो आज मैं आपको अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक जीवन परिचय देने जा रहा हूँ कि अल्बर्ट आइंस्टाइन की लाइफ कैसी थी, क्या कुछ उन्होंने अपनी लाइफ में किया, क्या कुछ उनके लाइफ से रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ था जर्मनी में। कब हुआ था? 14 मार्च 1879 में। ठीक है, उनके जन्मदिन पे ही पाई डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों, जो अल्बर्ट आइंस्टाइन है, उनके जो पेरेंट्स थे वो सिंपल एक मिडिल क्लास फैमिली से थे। उनका एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक सिंपल सा एक छोटा सा बिजनेस था। अब जब आइंस्टाइन का जन्म हुआ तो ऐसा नहीं है कि वो बचपन से ही जीनियस थे। आप लोग अल्बर्ट आइंस्टाइन को मानते हो तो बहुत ही बड़े जीनियस हैं, लेकिन बचपन में उनको देख के लगता था कि ये बच्चा तो कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो अल्बर्ट आइंस्टाइन है वो 3 साल तक तो कुछ बोले ही नहीं थे। वो बहुत ही शांत स्वभाव के थे, चुपचाप बैठे रहते थे। 3 साल तक उन्होंने कुछ बोलना भी नहीं सीखा था। तो लोगों को लगने लगा था कि भाई इनको कोई बीमारी है जिससे सीख नहीं पा रहे लैंग्वेज को। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी जीनियस दिमाग को एक्टिव किया और लोगों के सामने लेके आए। अब बात करते हैं उनकी एकेडमिक स्ट्रगल्स की। तो दोस्तों, जब वो स्कूल में जाने लग गए थे तो वहां पे ऐसा नहीं था कि वो क्लास के टॉपर थे, भैया वो फेल होते थे। तो जितने बच्चे अभी बैठे हैं ना, जो लोग क्लास में कम नंबर लेके आते हैं, तो टेंशन मत लो भाई, आइंस्टाइन के भी कम नंबर आए थे। आइंस्टाइन को 16 साल की उम्र में स्कूल से निकाल दिया गया था। हालांकि उसके बाद उन्होंने स्विस पॉलिटेक्निक स्कूल से फिजिक्स की डिग्री हासिल की। अब बात करते हैं उनकी आगे की लाइफ के बारे में। तो एक बार जब उनका इंटरेस्ट फिजिक्स में बन गया तो उन्होंने फिजिक्स में बहुत अच्छे से काम करना शुरू कर दिया। थ्योरेटिकल फिजिक्स में ज्यादातर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने काम किया है। अल्बर्ट आइंस्टाइन को जिस चीज के लिए जाना जाता है वो है उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जी हाँ, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जो कंसेप्ट है वो आइंस्टाइन के जीनियस ब्रेन से ही आया था। दोस्तों, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है, अभी एक हिंट दे देता हूँ आपको। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दोस्तों होती है जिसमें हमें ये पता चलता है कि जो स्पेस और टाइम है वो रिलेटिव है। मतलब स्पेस और टाइम फिक्स नहीं है, दे आर रिलेटिव टू ईच अदर। एंड ग्रेविटी आल्सो अफेक्ट स्पेस एंड टाइम। ग्रेविटेशनल वेव्स का आइडिया भी आइंस्टाइन ने ही दिया था। इसके बाद दोस्तों, आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला था 1921 में। अब भाई नोबेल प्राइज क्यों मिला था, बहुत से सोच रहे होंगे भैया थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की वजह से उन्हें नोबेल प्राइज मिला। ना, आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला था दोस्तों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए अपनी एक इक्वेशन दी थी जिसे कहा जाता है आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। उस इक्वेशन की वजह से आइंस्टाइन को 1921 में नोबेल प्राइज दिया गया था। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं उनकी सिटीजनशिप की। वैसे तो वो जर्मनी में पैदा हुए, लेकिन उन्होंने 1932 के आसपास जर्मनी को छोड़ दिया था। क्यों छोड़ दिया था? क्योंकि उस टाइम पे हिटलर का राज था जर्मनी में, और जो आइंस्टाइन थे वो एक शांतिपूर्ण इंसान थे। वो चाहते थे कि किसी भी मुद्दे को शांतिपूर्वक तरीके से सुलझाया जा सकता था। वो लड़ाई की जंग के बिल्कुल अपोजिट थे, तो इसलिए उन्होंने 1932 में जर्मनी की सिटीजनशिप को छोड़ दिया और यूनाइटेड स्टेट की सिटीजनशिप को अपना लिया। अब बात करते हैं कि आइंस्टाइन इस दुनिया से कब गए। तो दोस्तों, आइंस्टाइन की डेथ हुई 1955 में। अब उनकी डेथ से रिलेटेड भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। जब आइंस्टाइन की डेथ हुई तो उसके बाद उनके ब्रेन को संभाल के रख लिया गया। आज भी आइंस्टाइन का ब्रेन संभाल के रखा गया है दोस्तों। फिर आइंस्टाइन के ब्रेन पे रिसर्च की गई कि भाई इस ब्रेन में ऐसा क्या है जो आइंस्टाइन इतने बड़े जीनियस थे, और अभी तक की रिसर्च से जो सामने आया है वो ये आया है कि जो आइंस्टाइन थे उनके ब्रेन में जो ग्लियल सेल्स हैं उनका अमाउंट बहुत ज्यादा था एज कम्पेयर टू एन एवरेज ह्यूमन बीइंग। तो एक नॉर्मल इंसान के कंपेरिजन में उनके ब्रेन में ग्लियल सेल्स बहुत ज्यादा अमाउंट में थी, और ऐसा माना जाता है कि उन्हीं सेल्स की वजह से वो इतने ज्यादा जीनियस हुए थे। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम आइंस्टाइन की लाइफ के बारे में और जानें तो हमें पता चलता है कि आइंस्टाइन फिजिक्स के अलावा किसी और से भी प्यार करते थे, और वो था म्यूजिक। आइंस्टाइन को वॉल्यूम बजाना आता था, पियानो बजाना आता था। एक बार आइंस्टाइन ने कहा भी था, इफ आई वर नॉट अ फिजिस्ट देन आई मस्ट बी अ म्यूजिशियन बिकॉज आई लिव इन म्यूजिक, आई डे ड्रीम्स इन म्यूजिक। तो म्यूजिक से बहुत प्यार था आइंस्टाइन को।
इसके अलावा दोस्तों आइंस्टाइन जितने जीनियस थे उतने ही अलग अलग हरकतें भी उनकी लाइफ में देखने को मिलती हैं। कई बार तो वो अलग अलग सॉक्स, अलग अलग कलर्स की सॉक्स डाल देते थे, जुराबे अलग अलग रंग की पहन लेते थे। जब वो साइकिल पे कहीं जा रहे होते थे और अगर कोई इंसान उनसे साइकिल पे आगे निकल जाता था तो उनको इस चीज़ से जेलसी हो जाती थी और साइकिल तेज चला कर उनसे आगे निकलते थे। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे आइंस्टाइन की लाइफ से रिलेटेड। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और नेक्स्ट वीडियो आप किस साइंटिस्ट के बारे में चाहते हो, आप किस साइंटिस्ट में नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हो, वो कमेंट बॉक्स में जरूर पिन करें, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।